Hey, what's up guys, this is Gaurav here and welcome back to our channel. अभी हो रहा है 6:20 और वेदर बहुत ही सही है अभी, पूरा कल जैसा क्लाउडी हो गया है. सो एपिसोड नंबर 1 शूट होता है का स्टार्ट करते हैं इसको. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है यशराज मकवाना से. भाई फोर्थ असाइनमेंट में थोड़ा बहुत ही गापची मारी थी, तो यशराज भाई का ये क्वेश्चन है कि मैंने जो असाइनमेंट लिखे हैं उसमें थोड़ा कम क्वेश्चंस लिखे हैं. नहीं, मैंने वैसे क्वेश्चंस कम नहीं लिखे हैं और उसमें गापची ऐसा कुछ मारा नहीं था, क्योंकि वो असाइनमेंट से मेरे इंटरनल मार्क्स मुझे मिलने वाले थे, तो मैंने एकदम इज्जत से उसको लिखा, जैसे कि एग्ज़ाम में एक पेपर लिखते हैं उस तरीके से. तो सेकेंड क्वेश्चन आता है विक्रांत भाई, सिविल इंजीनियर अपने. विक्रांत भाई का क्वेश्चन होता है गर्ल्स रिलेटेड, लाइक गर्लफ्रेंड कौन है, गर्लफ्रेंड का नेम क्या है, ये सब. तो आज भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, आपके क्रश का नाम क्या है. वैसे मेरी क्रश टाइम टू टाइम अभी चेंज होती रहती है, और अभी रिसेंटली मैं कोई भी नहीं है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम चलाऊं यहाँ वहाँ और क्रश वस को क्रश पे ध्यान दूं. बट मुझे अभी रियली में कुछ ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है कि मैं बताऊं ना वहाँ. तो इस क्वेश्चन का आंसर 0. तो थर्ड क्वेश्चन आता है डायनो रजक से, और उनका एक यूट्यूब अकाउंट भी है और नेम यहाँ पर है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं. गेमिंग वीडियो डालते हैं और मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे सपोर्टर भी हैं. तो उनका क्वेश्चन ये है, शो योर चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम फोटो. तो ये क्वेश्चन लाइक डेयर टाइप है, तो ये चीज़ को मैं अपने डेयर वाला जो एपिसोड होगा उसमें मैं बताऊंगा. ओके, फोर्थ क्वेश्चन आता है स्केच से, और उनका क्वेश्चन ये है, क्या आप जोजो को जानते हो. मेरे हिसाब से ये नाम सुना लग रहा है, और हाँ मैं जोजो को जानता हूँ वैसे तो. 1, 2, 3, 4, 5. तो फिफ्थ क्वेश्चन आता है अपने शिवम भाई से, शिवम मिश्रा स्कूल फ्रेंड है मेरे. तो शिवम भाई का ये क्वेश्चन है कि यूट्यूब स्टार्ट करने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला. शिवम भाई, मैंने इस चीज़ पे वीडियो बना दी है और आई बटन में उसको मैं इंक्लूड कर दूंगा, तो आप उधर से चेकआउट कर सकते हो. ओके, तो सिक्स क्वेश्चन आता है निकिता गुप्ता से, और इनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट इनने थोड़े दूसरे को सोच समझ के लिमिटेड 2-4 क्वेश्चन ही पूछे हैं, तो हम वो चीज़ का जवाब देते हैं. तो उनका क्वेश्चन ये है कि पहले जैसी दोस्ती रही है अपनी. हाँ, दोस्ती तो है ही अपनी पहले जैसी, इसमें क्या पूछना. ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन इनका ही है, यू आर अबाउट टू गेट इनटू अ फ्लाइट, व्हाट साउंड्स कम एज यू एज ऑन योर साउंड ट्रैक. वैसे मैं ट्रैवलिंग टाइप में ज़्यादा कुछ सॉन्ग वॉन्ग तो नहीं सुनूंगा, बट उस टाइम में वीडियो बनाऊंगा, तो साउंड ट्रैक तो दिमाग में आएगा ही नहीं मेरे. बट वीडियो के लिए मैं जो सॉन्ग को सिलेक्ट करूंगा वो साउंड ट्रैक आएगा, और वो रैंडमली मुझे यूट्यूब पे मैं चेक करता हूँ तो आ जाता है. तो एट क्वेश्चन अमित सोलंकी से आता है, और इनका क्वेश्चन मुझे थोड़ा समझ नहीं पड़ा, तो क्या कर सकते, समझ नहीं पड़ रहा है तो क्या करूँ. देखो, कुछ समझ नहीं आ रहा अमित भाई, तो थोड़ा कुछ हमें समझा दो तो हम उसका आंसर दे दें. 10th क्वेश्चन है ऋत्विक परमार से, और इनका क्वेश्चन ये है कि यूट्यूब से मैं कितना कमा लेता हूँ. नहीं, यूट्यूब से कितने लाख कमाए. अभी मैं यूट्यूब से 0 लाख कमाता हूँ, क्योंकि भाई अभी तो मैंने चैनल चालू किया है और आप लोगों ने थोड़ा सपोर्टिंग किया है, और आपका ज़्यादा सपोर्ट रहेगा तो भगवान करे कि मैं लाखों कमाऊँ इससे. सो इसी बात पे, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को मेरे और लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो वो कर दे. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भरत गुज्जर से, सॉरी उनने डेयर दिया था मुझे, और डेयर पे पब्लिक ने बहुत ज़्यादा लोड दिया है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
ये क्वेश्चन आता है अपने दिग्विजय भाई से, दिग्विजय भाई वन लाइफ। तो इनका क्वेश्चन ये है, कोई रोमांटिक मोमेंट बताओ या कोई इंसिडेंट जो किसी को भी नहीं पता। वैसे रोमांटिक मोमेंट होता है अपने पार्टनर के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बट मेरी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो अभी तक मेरे साथ कोई ऐसा मोमेंट हुआ नहीं है कि जिसे मैं बताऊं। सो आज इतने क्वेश्चन थे, और ट्रूथ में पब्लिक ने इतना लोड नहीं दिया है जितना डेयर में दिया है। अभी ट्रूथ में टोटल 12 क्वेश्चन थे, 12 के आसपास थे, और डेयर में हद से ज़्यादा हैं डेयर। तो मैं कोशिश करूँगा कि डेयर वाला जो एपिसोड है उसे आज तो शूट नहीं कर पाऊँगा, बट वो वीडियो आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगी। तो अभी एक क्वेश्चन रह गया था, वो क्वेश्चन मुझे लास्ट टाइम पूछा था, लास्ट टाइम की वीडियो में, और वो कमेंट आया था मुझे। तो ये क्वेश्चन है भव्य मिश्र से, कि हम मेरे स्कूल में ही थे और सीनियर है भाई एक साल। तो उनका क्वेश्चन ये है कि कमेंट ही आपको पूरा बताता हूँ। सही है ब्रो, नेक्स्ट संडे मेरा एक क्वेश्चन लेना, सिंस आई एम नॉट यूजिंग इंस्टा, सो ये क्वेश्चन लेना। ओके, कोई बात नहीं ब्रो, आप कमेंट कर सकते हो। यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए कितना वेट करना चाहिए? अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हो तो क्या करें? देखो भाई, यूट्यूब चैनल ग्रो होने का कोई टाइम पीरियड नहीं है। ये आपका एक साल में हो सकता है, दो साल में हो सकता है, तीन साल में होता है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर लोग हैं जिनका चैनल एक दो महीने में ही इतना अच्छा ग्रो हो जाता है, फर्स्ट वीडियो से उन लोग में अच्छा रिस्पॉन्स आने लग जाता है। और ऐसा भी चैनल है जो एक एक साल तक वीडियोस बनती रहती है और उसके बाद वो चीज़ ग्रो होती है। बट होती ज़रूर है अगर आपका कंटेंट अच्छा हो तो, अगर आपकी स्टोरी अच्छी हो। और आप तो इसका आंसर तो यही मैं बोलूँगा कि बस अपनी जो स्टोरी है उस पर आप काम करो और अच्छा कंटेंट लाओ, तो और पब्लिक को अच्छा लगे ऐसा कुछ करो तो अच्छा रहेगा, और आपका चैनल अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और क्वालिटी ये सब तो बाद में मैटर करती है, बट मेरे हिसाब से वॉइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वॉइस क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और लाइटिंग। अभी थोड़ा सा अंधेरा जैसा हो रहा है तो लाइटिंग थोड़ी लो हो रही है, उसके लिए आई एम सॉरी। तो एक क्वेश्चन मुझसे लास्ट टाइम स्किप हो गया था और उसके लिए आई एम सॉरी। और वो क्वेश्चन ये है कि स्टेट की एग्ज़ाम कैसी रही थी 12th बोर्ड, इफ़ यू रिमेंबर देन। और ये क्वेश्चन पूछा है फाल्गुनी पाठक ने, कोचिंग फ्रेंड से, मीन्स है अभी भी फ्रेंड। तो स्टोरी ये है कि उस टाइम 12th की एग्ज़ाम थी, बोर्ड की एग्ज़ाम थी और स्टेटिस्टिक की एग्ज़ाम थी, और मैं जो कैलकुलेटर भूल गया था घर पे, कैलकुलेटर भूल गया था, और फाल्गुनी मेरे जस्ट पीछे ही बैठी थी, नहीं पीछे नहीं, बाजू में बैठी थी। तो उस टाइम पढ़ने में मैं थोड़ा एवरेज ही था, तो बट स्टेट की एग्ज़ाम में मुझे इंटरेस्ट था, स्टेटिस्टिक अच्छा लगता है, तो वो चीज़ मैं पढ़ के गया था। तो स्टेट मुझे अच्छे से आता था, बट मैं कैलकुलेटर ही भूल गया था, और अगर फाल्गुनी उस टाइम नहीं होती तो उस टाइम मैं हो जाता फेल। तो उस टाइम हम लोग ने क्या किया था, तो फाल्गुनी को सम्स मैंने बताया और कैलकुलेशन मैं कर रहा था, ऐसा सिस्टम हुआ। तो अगर उस टाइम फाल्गुनी नहीं होती तो मैं हो जाता फेल। सो वीडियो को हम इधर तक ही रखेंगे, आज के क्वेश्चन सब हो गए हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो डेयर वाली होगी, और मैं कोशिश करूँगा कि सब डेयर करूँ। ओके, सो वीडियो को इधर ही करता हूँ क्लोज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।